डिजीज के केसेस इंडिया में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। किसी भी डेवलपिंग स्टेट से डेवलप्ड स्टेट में पहुंचने के लिए हेल्दी पॉपुलेशन, हेल्दी सिटीजन्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये डिजीज बढ़ेंगे तो हमारा इंडिया एक डेवलप्ड स्टेट में कभी नहीं। स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट इनिशिएट किया है, जो दो फेजेस में प्लान किया गया है। फर्स्ट फेज में स्वस्थ भारत यात्रा, जिसमें आज हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो है। सेकंड फेज में यही अवेयरनेस प्रोग्राम स्टेट अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल्स पे पहुंचाएंगे। जैसा कि हेमंत ने बताया, ईट राइट इंडिया मूवमेंट का टैगलाइन है, आज से थोड़ा कम, कम नमक तेल चीनी। ये तीन पापी कहलाते हैं हमारी बॉडीज के लिए, तेल, चीनी और नमक, तो उसको अपनी डाइट्स में थोड़ा कम करना है। महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल पीएम के अंडर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं, और फूड अथॉरिटी की तरफ से ईट राइट इंडिया मूवमेंट का की शुरुआत हुई है, जो तब तक चलेगी जब तक हम सब स्वस्थ नहीं हो जाते, इंडिया स्वस्थ नहीं हो जाता। बेसिकली पांच पिलर्स हैं ईट राइट इंडिया मूवमेंट के: ईटिंग हेल्दी, ईटिंग सेफ, ईटिंग फोर्टिफाइड, नो फूड वेस्ट एंड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो हम सही खान पान से और रेगुलर एक्सरसाइजेस और योगा से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी खाना है, बैलेंस खाना है, घर का बना हुआ खाना को प्रेफरेंस देनी है बजाय कि जंक फूड और फास्ट फूड के लिए। ये बेसिकली दिल और दिमाग की लड़ाई है, जिसमें हमें दिमाग को जिताना है। दिल तो कहेगा कि जंक फूड खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिएं, फास्ट फूड की तरफ भागें, लेकिन नहीं, हमें अपना घर का खाना खाना है, होल सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। डेली की डेली बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। हर एक बंदे का बैलेंस डाइट का कंसेप्ट अलग होता है, एज वाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ वाइज, जेंडर वाइज, तो आपको कितना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब चाहिए, वो सारी जानकारी आपको हमारे इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, NIN, तो NIN की वेबसाइट पे आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपके एज के हिसाब से, आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपको किस मात्रा में कितना चीज़ खाना है। तो बैलेंस डाइट डेली लेना है, और ये नहीं कि आज हमने वो चार्ट देख के बैलेंस डाइट ले लिया और कल जाके रेस्टोरेंट में जंक फूड पे चले गए, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली। उनको अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आप अपना फ्रूट जूस लीजिए, नारियल पानी पीजिए, जो भी खाएं हेल्दी खाएं। जो भी निवाला आपके मुंह में जाता है उसका पूरा जिम्मेदारी आपके खुद के ऊपर है, आपकी हेल्थ, आपका खाना, आप जो खा रहे हैं वो आप अपनी मर्जी से खा रहे हैं, तो आपको अपनी हैबिट्स में हेल्दी डाइट ही लेना है। हेल्दी डाइट लेने की एक हैबिट इनकलकेट कर लीजिए, ताकि जंक फूड्स की तरफ ध्यान ही ना जाए। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, अपना हाइजीन, सैनिटेशन का, किचन यूटेंसिल्स साफ रखने हैं, अपना एडल्ट्रेशन का ध्यान रखना है। कोई भी खान पीन की चीज़ें में आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ एडल्ट्रेशन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपने स्टेट अथॉरिटीज से, रेलेवेंट एजेंसी से संपर्क कीजिए, उनका टेस्ट करवाइए, उन चीज़ों से कंप्लेंट कीजिए। FSSAI की वेबसाइट है, FSSAI.gov.in, वहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको FSSAI की वेबसाइट पे एक बुक है, DART, रैपिड एडल्ट्रेशन डिटेक्शन टेस्ट हैं ये, जो छोटे छोटे टेस्ट आप अपनी किचन में ही कर सकते हैं, उसके लिए कोई हाई एंड इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। वो बुक आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए, स्पाइसेस में, दूध में और घर में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, छोटे छोटे टेस्ट आपको
बताए गए हैं वो एडल्ट्रेशन के टेस्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको अगर कुछ गड़बड़ लगे तो आप अपनी स्टेट अथॉरिटीज से FSW फूड सेफ्टी ऑन व्हील से उनसे संपर्क करा के और आगे प्रॉपर टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। तो आपको एडल्ट्रेशन से बचना है, बचने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी अपने रिसोर्सेज के अनुसार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसमें आप लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन लोगों को